नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश सरकार के एक ऐसे मंत्री के बारे में जिसे कहा जाता है अपराजित योद्धा। कहते हैं राजनीति भी क्रिकेट की तरह संभावनाओं पर आधारित है, यानी कि इसका पूरा खेल मैच के आखिरी गेंद तक चलता है। जो मैच में आखिरी गेंद तक बना रहता है वह अपनी टीम के लिए, अपनी पार्टी के लिए सबसे शानदार नेता या कहें खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। बिहार के सियासत में भी एक ऐसे ही नेता हैं जिनकी दावेदारी पार्टी में एक हनक नेता के रूप में है। हनक इस बात की नहीं कि किसी को डरा धमका कर अपने ही पाले में शामिल कर ले या फिर चुनाव में जीत मिल गई हो। वह अपने कार्यों के लिए, अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। महागठबंधन के साथ जब नीतीश कुमार आठवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए तो उन्होंने एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया। यह मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे थे तो कोसी की जनता कह रही थी, हमारा बेटा एक बार फिर से सदन में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। वे अपने कार्यशैली और लोगों के प्रति निष्ठा के बदौलत लगभग 32 साल से बिहार की सियासत में हैं। बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने हारना नहीं जाना है। बताया यह भी जाता है कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेपी मूवमेंट से शुरू हुई थी। इसके बाद पहली बार साल 1990 में जनता दल के टिकट पर सुपौल सदर सीट से चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद फिर कभी चुनाव में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश की पार्टी में बिजेंद्र यादव को अपराजित योद्धा के रूप में जाना जाता है। साल 2014 में जब नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से हारी थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर वे दावेदार के रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिजेंद्र यादव जब पहली बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे, लालू प्रसाद की कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया था। उसके बाद जब जनता दल दो भाग में बट गई तो उस समय भी वे पुराने वाले जनता दल के साथ रहे। लालू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा था राजद। फिर बाद के दिनों में समता पार्टी और फिर पुराने जनता दल मिलकर जनता दल यूनाइटेड बन गई। सबसे बड़ी जीत का समय था साल 2005 का, जब उन्होंने राजद की बड़ी पटखनी दी थी। उस समय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष यही बिजेंद्र यादव हुआ करते थे। उस समय जदयू और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन तब मंत्री रहे बिजेंद्र यादव, आज भी मंत्री हैं। बिजेंद्र यादव को उनके विधानसभा क्षेत्र में लोग कोसी के विश्वकर्मा कहकर बुलाते हैं। विश्वकर्मा कहने के पीछे जो तर्क दिया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि कोसी नदी पर बने पुल के कारण लोग उन्हें एक लोकप्रिय नेता के रूप में जानते हैं, उन्हें कोसी का विश्वकर्मा कहते हैं। उनके मंत्री रहने के कालखंड को अगर हम देखें तो साल 1990 से 95 के बीच में वे राजमंत्री रहे, उनमें जो है ऊर्जा विभाग उन्हें सौंपा गया था। उसके बाद 1995 से 97 तक उन्हें नगर विकास एवं विधि राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद नवंबर 2005 से लेकर अप्रैल 2008 तक वे इस एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री के तौर पर रहे। फिर अप्रैल 2008 से नवंबर 2010 तक जल संसाधन मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। उसके बाद फरवरी 2010 से नवंबर 2010 तक निबंधन एवं उत्पाद मंत्री के रूप में रहे। मई 2010 से नवंबर 2010 तक उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, साथ ही साथ परिवहन मंत्रालय भी इनके पास था। बाद में नवंबर 2010 में ऊर्जा मंत्री के तौर पर कार्य किया। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया था तब मांझी की कैबिनेट में वो वित्त मंत्री, वाणिज्य कर विभाग संभाल रहे थे। 2015 में फिर से वे ऊर्जा और वाणिज्य मंत्री बने। 2020 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो इसमें उन्हें ऊर्जा खाद्य उपभोक्ता विभाग की जिम्मेवारी मिली। उसके बाद जब अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें उन्हें ऊर्जा विभाग के साथ योजना विकास मंत्री बनाया गया। बिजेंद्र यादव साल 2000 से अब तक जदयू से जीतते हुए आ रहे हैं और इसीलिए उन्हें जो है जदयू का एक बड़ा अपराजित योद्धा के रूप में जाना जाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।